तो जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समर फैशन के बारे में, और खासकर मैंने टारगेट किया है स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरा जो चैनल है इस पे 18 टू 24 एज के काफ़ी लोग देखते हैं इसको, जैसे मेरा एनालिटिक्स बोलता है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को टोटल स्टूडेंट के ओरिएंटेशन में रखा है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो चलिए, मैं ऐसा कुछ रिकमेंड करूंगा या ऐसे कुछ हम देखेंगे जो 2021 में होने वाला है फैशन ट्रेंड, और समर के हिसाब से हम लोग देखेंगे। जब विंटर आएगा उसके लिए भी हम एक पार्टिकुलर वीडियो देखेंगे। तो स्टूडेंट के हिसाब से जो होना चाहिए कि हम अपने पैसे वैसे जगह पे डालें जो ट्रेंड को भी मैच करे और हमारे लिए लंबा भी जाए, ये ना कि कुछ दिन के बाद आउट ऑफ फैशन चला गया। क्योंकि जो हमारे क्लोथिंग पीसेस होते हैं उनके डिस्कार्ड होने में एक कारण ये भी रहता है कि वो आउट ऑफ फैशन चले जाते हैं। बाकी और भी कारण होते हैं, जैसे वो ख़राब हो जाते हैं, उन पे रेसे जा जाते हैं, फट जाते हैं, लेकिन एक ये भी रीज़न है कि वो आउट ऑफ फैशन चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा वैसे कपड़े को देखें या वैसे कपड़े लें जो समर में हम लोग पहन सके, कंफर्टेबल हो, ट्रेंड में रहे। अगर कॉलेज भी जाना है तो कॉलेज भी हम लोग अच्छे से चले जाएं और वो लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी कि फैशन से जल्दी बाहर ना जाए। तो हम लोग यहाँ पे यो बेसिक चीज़ों को देखेंगे। तो कहीं चलिए, यहाँ पे हमने इस वीडियो को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहले देखते हैं वर्क फ्रॉम होम, जो थोड़े से बड़े हैं, जॉब करते हैं घर से, जिनका जॉब चल रहा है, अगर उस टाइप के लोग मेरे चैनल को देखते तो उनके लिए सबसे पहले मैं रिकमेंड कर देने वाला हूँ कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम की क्लोथिंग लेना चाहते हैं या ऑफिस जाते हैं उस टाइप की क्लोथिंग लेना चाहते हैं, तो आपको नीटेड टाइप के पैंट्स में देखना चाहिए। अगर आप पैंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीटेड पैंट के लिए आप जा सकते हैं, और नीटेड शर्ट या नॉर्मल जो अपने कैजुअल शर्ट्स होते हैं उनके लिए आप जा सकते हैं, और ब्लेजर्स के लिए आप जा सकते हैं। आइदर वो ब्लेजर जींस मटेरियल के हो सकते हैं, कॉटन के हो सकते हैं, फॉर्मल बूट्स के लिए जा सकते हैं, फॉर्मल शूज़ के लिए जा सकते हैं। ये था बेसिक वर्क फ्रॉम होम। आप अगर टी शर्ट्स में जाना चाहते हैं तो पोलो टी शर्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप जींस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, जो थोड़े से एक्सपेंसिव जींस होती हैं जिसपे उसकी स्टिचिंग ऊपर की तरह होती है, उस टाइप के जींस के लिए आप जा सकते हैं। ये थोड़ा सा बोल्ड लुक देगा, और 2021 में लोग थोड़ा सा बोल्ड लुक प्रीफर करेंगे जो ऑफिस जाते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे टोटल पूरे तरीके से स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइस यहां पे अपने दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं जो हमारे जैसे, जिनकी फिजिक परफेक्ट नहीं है, और दूसरे होते हैं जो जिम जाते हैं, एथलीट हैं, स्पोर्ट्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। इन दो स्टूडेंट के टाइप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे काफी सारे कंटेंट आपको मिलते ही रहते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड हम लोग काफी सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्लोथिंग रिव्यू भी किया करते हैं, और इस तरीके से ब्रांड रिकमेंडेशन या जो वीडियो आप रिकमेंड करते हैं मैं वो सब वीडियो बनाता हूँ। तो कहीं चलिए और बात करते हैं कि अगर हम लोग 2021 में अगर कुछ जनरल बात करें कि क्या फैशन होना चाहिए, तो अगर शर्ट की माने तो शर्ट में अपने को फ्लोरल प्रिंट काफ़ी चलने वाला है। ये सब प्रिडिक्शन है, मेरा भी कुछ प्रिडिक्शन है, मैं उतना नहीं, और बाकी मैंने रिसर्च किया है। दूसरे जो फैशन इन्फ्लुएंसर ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया, सबसे थोड़ा थोड़ा निकाल के मैंने एक स्टूडेंट के लिए कॉन्साइज करके इसको रेडी किया है कि अगर शर्ट की माने तो शर्ट में अपने को जो फ्लोरल प्रिंट के शर्ट होते हैं या उस पर कुछ कुछ और भी प्रिंट्स बने रहते हैं, जैसे एनिमल प्रिंट हो गए या कुछ वेजिटेबल टाइप के प्रिंट होते हैं, वो सब प्रिंट के शर्ट ज़्यादा लोग प्रीफर करेंगे। वर्टिकल स्ट्राइप्स के शर्ट लोग काफ़ी प्रीफर करेंगे, क्योंकि अभी जो है लोग स्लिमर और थिनर देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वर्टिकल स्ट्राइप्स के लिए लोग ज्यादा जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप भी काफी पॉपुलर होगा। देन अगर पैंट्स की बात करें तो पैंट्स में चिनोस काफी पॉपुलर होंगे एज यूजुअल, क्योंकि समर के लिए काफी कंफर्टेबल होते हैं। देन डेनिम जींस होंगे, प्रीफर होंगे करेंगे लोग, डेनिम जींस काफी लोग परचेज करेंगे, और डेनिम में उस टाइप के जींस लोग खरीदना चाहेंगे जो थोड़े से मिड वॉश होते हैं, यानी थोड़ा सा वो सॉलिड नहीं होता है और ज्यादा फंकी टाइप के भी नहीं होते, जो मिडिल के अपने होते हैं जींस, उनको मिड वॉश जींस बोलते हैं, वो सब जींस लोग प्रीफर करने वाले हैं। अगर बूट्स की माने यानी शूज की माने तो शूज में स्नीकर तो अपना यूनिवर्सल है ही, साथ ही साथ चेल्सी टाइप के बूट, और जिनके सोल थोड़े मोटे मोटे होते हैं या चंकी शूज होते हैं या जो नो सो सॉक्स वाले शूज होते हैं, उस टाइप के शूज काफी प्रीफर होंगे, और काफी लोग उस टाइप के शूज काफी ट्रेंडी होंगे। और अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये 2021 और आगे भी इन सब क्लोथिंग मटेरियल से आप फैशनेबल रह सकते हैं। तो गाइस अब आते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट है, और दो टाइप के कॉलेज स्टूडेंट हमने देखा। तो पहले वाले पे आते हैं कि अगर आप थोड़े से एथलेटिक है, स्पोर्टी पर्सन है, देन आप सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कैजुअल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, देन कैजुअल शर्ट में आप अपने हिसाब से जा सकते हैं, इधर चेक स्ट्राइप और जो प्रिंट होते हैं उसके लिए जा सकते हैं। अगर नहीं तो अगर आप हमेशा अपना स्पोर्टी लुक कैरी करना चाहते हैं, देन आप पोलो टी शर्ट के लिए जाइए, ये काफ़ी वर्सेटाइल होगा। आप कॉलेज भी पहन के जा सकते हैं, अपने नॉर्मल आउटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग वियर में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में नॉर्मल आप यूज़ कर सकते हैं, पोलो टी शर्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर पैंट की माने तो पैंट आप ज़्यादा रिलैक्स फिट प्रीफर करिए, क्योंकि आपका जो काम है दौड़ने का, कूदने का, अगर आप थोड़े से स्पोर्टी है तो वो ज़्यादा स्पोर्टी फील देता है, तो
थोड़े से रिलैक्स टाइप के पैंट के लिए आप जा सकते हैं। अगर कार्गो पैंट्स के लिए जाना चाहते हैं तो काफी अच्छे होंगे, काफी लो प्राइसेस में इस पर कार्गो पैंट अपने को मिल जाने वाले हैं। देन आप जींस के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन वो रिलैक्स फिट ही जींस आप प्रीफर करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और आपके पर्सनालिटी को ओवरऑल सूट करेगा। अब बात करें जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, फिजिक परफेक्ट नहीं होती है, तो वो अपना फैशन जो है बेसिक ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि अभी कोविड के बाद सभी चीज़ें नॉर्मल होंगी, तो जो कंपनियां होंगी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करेंगी, तो आप जो है बेसिक चीज़ों में इन्वेस्ट करो। आप कैजुअल शर्ट ले सकते हैं, टी शर्ट की बात करें तो आप जो राउंड नेक क्रीम नेक टी शर्ट होती है वो ले सकते हैं, हेलनी टी शर्ट ले सकते हैं, वी नेक टी शर्ट ले सकते हैं जो आपको फिट अच्छे से आए। देन अगर पैंट्स की बात करें तो आप चीनोज में इन्वेस्ट कर लीजिए, सॉलिड जीन्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट ज़्यादा उतना मत करिए, नहीं तो मे भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए, आप स्टूडेंट हैं तो आप बेसिक चीज़ों को रखिए और वो बेसिक चीज़ों का ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के आप काफ़ी स्टाइलिश दिख सकते हैं। अब अगर आप शर्ट के लिए जाना चाहते हैं तो आप वर्टिकल स्ट्राइप के लिए जा सकते हैं, वर्टिकल स्ट्राइप काफ़ी पॉपुलर है पिछले सीजन से ही। उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लाइट कलर प्रिंटेड शर्ट के लिए जा सकते हैं, जो डॉट टाइप के प्रिंट होते हैं, या टेक्सचर्ड शर्ट होते हैं जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं, टेक्सचर टाइप के शर्ट के लिए भी आप जा सकते हैं। अगर टी शर्ट की बात करें तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप की टी शर्ट के लिए जा सकते हैं, वर्टिकल स्ट्राइप की टी शर्ट के लिए जा सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल ज़्यादा प्रेफर करिए, आपके टॉर्सो को ज़्यादा बड़ा फील कराएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कुछ टी शर्ट होते हैं जो स्वेटशर्ट टाइप के होते हैं, जहाँ पे कफ बना रहता है और बेस्ट पार्ट पर भी और अपने यहाँ रिस्ट पार्ट पर भी, इस टाइप के टी शर्ट के लिए जा सकते हैं, कॉलेज में आप आराम से इसको पहन सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप फुल स्लीव टी शर्ट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि समर में काफ़ी अनकंफर्ट होता है ट्रैवलिंग करने में बस में ट्रेन में, तो आप फुल स्लीव टी शर्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर चाहें तो आप भी पोलो टी शर्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कलर आप हमेशा लाइट ही रखिएगा, पेस्टल रखेंगे, जिससे जो ज़्यादा वो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब नहीं करे और आपको कम्फर्ट हमेशा दे। अगर पैंट की बात करें तो आप चीनोज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आइदर सॉलिड के लिए जा सकते हैं, नहीं तो आइदर आप स्ट्रेट टाइप के जो चीनोज होते हैं उसके लिए जा सकते हैं। जींस हमेशा आप सॉलिड ही प्रीफर करिए। अगर शूज की बात करें तो आप चंकी शूज थोड़े से स्पोर्टी टाइप के भी ले सकते हैं, अदरवाइज अपना नॉर्मल स्नीकर जो होते हैं लो टॉप और मिड टॉप के, उन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये थे टोटल समर फैशन ट्रेंड 2021 में एक स्टूडेंट को प्रीफर करने चाहिए। काफ़ी डिटेल के बाद मैंने इसको काफ़ी सिंपल रखा, क्योंकि मैं खुद इसी टाइप का सोचता हूँ कि अगर मुझे लेना है तो मैं ज़्यादा कुछ उतना फैशन में नहीं जाऊंगा, उतना ट्रेंड में नहीं जाऊंगा एज ए स्टूडेंट। आगे हम लोग ग्रो करते रहेंगे तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो किया है, आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ मिसिंग रह गया होगा तो नीचे आप रिकमेंड कर सकते हैं, आपके सजेशन दे सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपनी थॉट को। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रान, अलविदा, मासलमा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, माय लवली फ्रेंड्स।